सबू सामग्री दरकार मुझे 500 ग्राम चिकेन नहीं चिकेन रु लेग पीस यूज करुच्ची चिकेन यही कटमार्क कराद्वारा कि या भितर को मैरिनेसन कला बेले मसला भल से पशिपार 4 चामच दही नहीं हंग कड़ यूज करुच्ची पा निगाड़ी देकी या पूरा पूरी शुखिला करदे 4 चामच अदा रसुण बटा नहीं गोटे चामच लेंबू रस नहीं गोटे चामच गोलमरीच गुंड 2 चामच काश्मीर रेड चिल्ली पाउडर नहीं गोटे चामच हलदी गुंड गोटे चामच काश्मीर रेड चिल्ली गोटे चामच जीरा गुंड नहीं 2 जगार लंका गुंड नहीं कहीं चिकेन को 2 थर मेरीनेसन करी तो आप बिलकुल कन्फ्यूज हूँ टोटाल 3 चामच काश्मीर रेड चिल्ली पाउडर नहीं 2 चामच प्रथम मेरीनेसन आउ गोटे चामच सेकेंड मेरीनेसन 2 चामच सोरस तेल नहीं 2 चामच तंदूर मसाला नहीं पाखरे नाही तो आप स्किप करी बाकी तक सामग्री रे तंदूर बनई पारे 2 चामच मु भजा बेसन यूज करुच्ची आप तंदूर रे बेसन को टिके भाजी करी यूज करेंगे कंचा बेसन यूज करें 3 चामच रिफाइन तेल नहीं स्वाद अनुसार लुण नहीं गोटे चामच मेथी पत्र रखी मेथी पत्र तंदूर टेस्ट को एनहांस कर हेल्प कर एवं शेषे गोटे चामच गरम मसला नहींचे आमे आज चिकेन को 2 थर मेरीनेसन करवा चिकेन तंदूर बहुत इजी रेसीपी हेले टिके टाइम लगे कहीं यार मेरीनेसन रे ही सब टाइम चली जाए फास्ट मेरीनेसन गोटे घंटा पाई कि एंड सेकेंड मेरीनेसन तो ओवर नाइट करा जाए 6-7 घंटा पाखापाखी हेले आम पाखे सफिसीएंट टाइम ना तो आम सेकेंड मेरीनेसन भी गोटे घंटा पाई करवा जदि आप टाइम अच्छी तो आप सेकेंड मेरीनेसन 2-3 घंटा पर्यंत करें तो एबे आसंतु चिकेन को मैरिनेट करनबा चिकेन को मैरिनेट करिया पई आपण सब बेले बड़ बाउल यूज करिवे जहा दरे कि सेथिरे आपण चिकेन सहित सब मसाला को भल से गोळई पारिवे प्रथमे मु एथिरे लेंबू रस दे दीची अदा रसुण बट्टा दे दबा एबे आमे एथिरे दही दे दबा मु एटी 4 चामच दही यूज करथिली 2 चामच दही फास्ट मैरिनेसन रे देची एवं बाकी तक 2 चामच दही मु सेकंड मैरिनेसन रे दबा पई रखी देबी गोटे चामच मेथी पत्र स्वाद अनुसार लुण देदेबा अल्प किसी लुण सेकेंड मेरीनेसन रखी 2 चामच तंदूर मसला देदेबा 2 चामच काश्मीर रेड चिल्ली पाउडर एवं गोटे चामच गोलमरीच गुंड ताकू भी देदेबा आपण भावुथिबे केते मात्रा रे मु एथिरे लंका पाउडर यूज करुची बिल्कुल व्यस्त होवंतुनी काश्मीर रेड चिल्ली पाउडर राग लागेनी केवल कलर दिए आउ आमे चिकेन तंदूर कौन से आर्टिफिशियल फूड कलर यूज करूनु तो ये टिके लंकार परिमाण अधिका यूज करुची मु एबे आमे सब इनग्रीडियंट्स को चिकेन सहित गोळेई नबा जदि आपण आम चैनल रो नॉनवेज रेसीपी देखिया पई चाहूचंती उपरे डाहाण पटरे जो आइकन अछि ता उपरे क्लिक कर दियंतु देले आपण मो चैनल रो समस्त नॉनवेज रेसीपी देखि परिबे मु एटी सब लेग पीस यूज करुची जदि आपण चाहिबे अलगा पीस मध्य यूज करि परिबे चिकेन को सब मसला सहित मुझे भल से गोल सारे एवं मुझे चिकेन को कवर करी मिनिमम गोटे घंटा साइड कर देबी चिकेन को मैरिनेट करके रखिबार गोटे घंटा हो गला सेकेंड मैरिनेसन प्रिपेयर करनबा एवं मुझे बाउल रे बेसन दे देबी दही जीरा गुंड लंका गुंड एवं हलदी गुंड ताकू भी देदेबा गरम मसला एवं सोरस तेल एबे मु एथिरे अल्प किछि लुण देबी अधिका लुण यूज करिवेनि काहेकि ना प्रथम मैरिनेसन रे आमे ऑलरेडी लुण यूज करिचु एबे आमे एथिरे चिकेन एड करिबा मु एठी गोटे प्लेट नेइछि प्रथमे मु प्लेट रे चिकेन रखि देबी एबे मु सेकंड मैरिनेसन रो मसाला एथिरे लगेइबी टिके टाइम टेकिंग प्रोसेस एटा बाकी आपण ए सब प्रोसेस को फॉलो करिवे देखिवे तंदूर चिकेन बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो याकु एमिति 2 थर मैरिनेसन करिया पई पड़िबो काहेकि ना जते बेले आमे गैस रे एको फ्राई करिबा सेते बेले बहुत मसाला एथरु बाहरी जिवो तो यार कटिंगटा टिके ड्राई करिवे देले चिकेन सहित मसाला सब
ଭଲସେ ଚିପକିକି ରହିପାରିବ। ଚିକେନକୁ ମୁଁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲିଣି। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କୋଟିଂ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଚିକେନକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବି। ଚିକେନକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବାର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଚିକେନର ପିସେସ୍ ଭିତରକୁ ତନ୍ଦୁରର ଫ୍ଲେଭରକୁ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ କରିବି। ତା ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ତାର ଜାଲି ବସାଇବି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଇଲା ରଖିଥିଲି, ସେ କୋଇଲାକୁ ଦେଇଦେବି। ଘରେ ତ ତନ୍ଦୁର ଭାଟି ଆମକୁ ମିଳିବନି, ତ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିବେ। ଏବେ କୋଇଲାକୁ ଗରମ କରିନେବା। ଏବେ କୋଇଲା ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବି ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏ କୋଇଲା ତକ କାଢ଼ିନେବି। ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ ରଖିଦେବି ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଏବେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କଭର୍ କରିଦେବି। ଏଇଭଳି ମୁଁ ଏହାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବି। ତ ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁର ବନାଇବାର ପ୍ରସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇଦେବି ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ କରିନେବା। ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବି। ତେଲ ପୁରାପୁରି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ସେ ଚିକେନକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଏଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏମିତି ମସଲା ଖସିବ, ତା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି ଆପଣ। ପାଖାପାଖି 20-25 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣ କେବେ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ଖାଇଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ତନ୍ଦୁର ଭାଟିରେ ଚିକେନ୍କୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଯାଏ ଟଙ୍ଗେଇକି ରଖନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଜି ଏହାକୁ ଘରେ ବନାଉଛୁ, ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ମସଲା ତକ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଏଇଭଳି କିଛି ମସଲା ଡିସ୍କାର୍ଡ଼ ବି ହୋଇଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ 2 ଥର କୋଟିଂ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରି ପୁରାପୁରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ 3ଟି ଲେଗ୍ ପିସ୍କୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେଇଛି, ବାକି ତକ 2ଟି ବି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକି ତକ 2ଟି ବି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଏବଂ ସବୁ ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରିକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିନେବା। ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରି। ଆପଣ ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରିକୁ କଟା ପିଆଜ ଏବଂ ପୁଦିନା ଚଟଣି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଆଗ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।